नमस्कार, तो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी साहू। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों से। जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान हीथ स्ट्रीथ को बुधवार को सभी तरह के क्रिकेट से 8 साल के लिए बर्खास्त कर दिया गया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की भ्रष्टाचार रोधी संहिता उल्लंघन के 5 आरोपों को स्वीकार किया है, जिसमें अंदरूनी जानकारी का खुलासा करना और भ्रष्ट संपर्क में मदद करना शामिल है। जिम्बाब्वे के सबसे ज्यादा शानदार तेज गेंदबाजों में से एक रहे स्ट्रीक के खिलाफ 2017 और 2018 के दौरान के कई मैचों को लेकर जांच चल रही है, जब उन्होंने कोच की भूमिका निभाई थी। ICC की एंटीग्रिटी इकाई के महाप्रबंधक एलेक्स मार्शल ने कहा कि स्ट्रीक अनुभवी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और राष्ट्रीय टीम के कोच रहे हैं। उन्होंने कई भ्रष्टाचार रोधी शिक्षा सत्र में हिस्सा भी लिया है। वह संहिता के अंतर्गत अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से अवगत हैं। खबरों में फिलहाल के बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल द न्यूज़ के साथ। नमस्कार।